बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नादिया, आप देख रहे हैं सना डिशेज़। हमारे चैनल को देखने वाले तमाम व्यूअर्स जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही आसान और सिंपल डिश बनाने जा रही हूं। आज मैं गुड़ वाले चावल बनाने जा रही हूं, जो कि हमारे देहात में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। उसके लिए जो जो अशिया हमें चाहिए, मैंने आधा किलो चावल लेके दो के अच्छी तरह इन्हें भिगो दिए, आधा किलो हमारे पास गुड़ है, उसके अलावा एक चम्मच सौंफ, तकरीबन 10 अदद बादाम, 10 पिस्ते और किशमिश। इसके अलावा हमें 1 कप पानी चाहिए होगा गुड़ का शीरा तैयार करने के लिए, और कुकिंग ऑयल चाहिए होगा हसबे ज़रूरत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ का शीरा तैयार कर लेते हैं। गुड़ का शीरा तैयार करने के लिए मैंने 1 कप पानी लिया, उसमें मैंने गुड़ डाल दिया और हम इसका शीरा बना लेते हैं। जितने चावल होंगे आप उतना ही गुड़ लेंगे। अगर आप चीनी कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, मतलब कम खाते हैं, तो थोड़ा सा उससे कम भी ले सकते हैं, मगर इनकी मिकदार बराबर होगी तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। गुड़ को मैंने तोड़ के डाला है। शीरा इसलिए बना रहे हैं कि इसमें रेत वगैरह काफ़ी होती है, तो हम छान लेंगे। गुड़ तकरीबन सारा मिक्स हो गया है। अभी हम इसे 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि शीरा थोड़ा गाढ़ा हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, शीरा हमारा सही पक गया है। हम इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अभी चूल्हा ऑफ करके इसे हम नीचे उतार लेते हैं। शीरे को हमने नीचे उतार लिया। जब तक शीरा ठंडा होता हम चावल बॉयल कर लेते हैं। मैंने चूल्हे पे पानी चढ़ा दिए, उबाल आने तक हम वेट करते हैं। चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं। पानी को उबाल आ चुके, अभी मैं इसमें चावल शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाह। हल्का सा ला देते हैं। अभी हम शीरे को छान लेते हैं। बिस्मिल्लाह। नहीं जी, शीरा हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और रेडी है। इसमें किसी किस्म की कोई गंध चंद नहीं है, क्योंकि अक्सर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पत्ता वगैरह होता है गुड़ में। चावलों को हम फुल बॉयल कर देंगे, इनमें किसी किस्म की कोई कनी नहीं रहने देंगे, फुल बॉयल हम इन्हें करेंगे। चावल बॉयल हो चुके हैं, अब हम इन्हें छान लेते हैं। चावलों को मैंने छान लिया। अभी दोबारा मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया, उसमें मैं कटे हुए बादाम, सौंफ, पिस्ता और किशमिश डाल रही हूँ, और इन्हें हम 5 मिनट तक पकाएंगे। आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इन्हें 5 मिनट तक पकाते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं इसमें शीरा डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरे को उबाल आने देते हैं। शीरे को अच्छे से उबाल आ गया, अभी मैं इसमें चावल डाल देती हूँ, उबले हुए चावल। चावल मैंने डाल दिए, अब हम इन्हें अच्छे से इसमें शीरे में मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मैंने इसे शीरे में मिक्स कर दिए, अभी मैं ऊपर से कवर कर देती हूँ 20 मिनट के लिए। ऊपर से मैंने कवर कर दिया और आंच में हल्की कर देती हूँ। 20 मिनट बाद हम इन्हें चेक कर लेंगे। आंच इतनी की रखनी है जिस तरह हम दम देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ, दम को मैं खोलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। लें जी, तैयार है हमारे गर्मा गर्म से मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।